चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। देखो कोऑर्डिनेट का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन, सबसे इजी सेक्शन वो है आपका स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग के लिए एग्जामिनेशन में हम श्योर शॉट है और किसी भी परिस्थिति में हमको छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई भी चीज़ तेरह से मेहनत कर दिया इस चैप्टर में तो धोखा नहीं था। बहुत ही सिंपल पेपर, ईजी पेपर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आपको भी कमांड होगा ही, मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस कीजिए, बताओ स्ट्रेट लाइन्स क्या हो गया। तो स्ट्रेट लाइन तुम्हारे पास क्या है कि स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले तुम्हारे इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए बात करते हैं। तो फिगर को ड्रॉ करना जैसे हम आपको 11 सिखाते आए हैं, ठीक है, एंगल्स को पहचाना। देखो एंगल्स का बात करते हुए, जैसे कोई लाइन है, एक लाइन है, ठीक, बस एक एक्सिस को काट रहा है। मान लो कि अगर हम कहें कि ड्रॉ एक ऐसा लाइन खींचो जो पॉजिटिव एक साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, एक ऐसा लाइन खींचो जो पॉजिटिव एक साथ 30 का एंगल बना रहा है। अभी आपको हम दे दो, लगभग यहाँ पर बैठा हुआ हर स्टूडेंट्स ये फिगर बना के दिखा देगा 30। तो हम उससे पूछा जाते हैं क्या ये फिगर संभव नहीं है, ये भी तो 30 डिग्री है, ये भी तो 30 डिग्री है। तो बिल्कुल पॉसिबल है, ओरिजिन से कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब ओरिजिन नहीं। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को काट रहा है या ओरिजिन के पहले भी हो सकता है, बाद भी हो सकता है। राइट साइड से मापा गया एंगल ये आता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और ये वाला आता है निगेटिव एक्स एक्सिस, नीचे भी हो सकता है लेकिन हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक, बस देखो कोऑर्डिनेट डेप्थ नहीं है, हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देने से पूरी तरह से पकड़ के आएंगे एग्जाम में। तो क्या बोल रहे हैं कि एक लाइन, ठीक बस एक लाइन तो हमारे पास इस प्रकार का एक्स एक्सिस में क्या रहेगा कि एक्स एक्सिस अगर रहा एक्स एक्सिस है लाइन काटा तो ये वाला हो गया आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये हो गया आपका निगेटिव एक्स एक्सिस से। इसमें हम लोग केवल अप साइड एंगल नापेंगे, अप साइड एंगल नापेंगे, डाउन साइड भी नापा जा सकता है, इसका अपोजिट एंगल रवे करेगा लेकिन अप साइड एंगल को मेजर करेंगे। अरे बस अप साइड एंगल को मेजर करेंगे, वास्तव में होता है कि लाइन से पर एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम जाओ, तो यहाँ भी वही हुआ है, इसलिए हम उसको ज्यादा ध्यान रखते हैं, बस केवल अप साइड बात करते हैं। वाई एक्सिस में तुम्हारे पास क्या है, वाई एक्सिस में यही चीज अपोजिट, ठीक है, वाई एक्सिस से क्लॉक वाइज दिशा में यानी स्ट्रेट लाइन तक पहुंचोगे तो ये पॉजिटिव वाई कहलाता है और ये वाला जो हो गया आपका निगेटिव वाई कहलाता है। ठीक बात, हम लोग हमेशा राइट साइड एंगल को मेजर करेंगे, ये बात हम दिमाग में बढ़ा लेना। ठीक, बस ये मेरा कंसेप्ट है, सीधा सीधा से रिजल्ट निकालेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने के पहले हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं, इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, इसका फिगर ड्रॉ करने का कोशिश किया जाए। ठीक, बस बताओ आप प्रैक्टिस हम अगर आप मेरे पास पढ़े होंगे 11 तो आपको प्रैक्टिस करा ही चुके हैं, लेकिन तब भी आओ ड्रॉ ए लाइन, अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो याद पड़ जाएगा, नहीं किया तो अब कर लीजिए। ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू, एक ऐसा लाइन निकालिए जो पास कर रहा है 2-3 से, 2-3 से एंड मेक्स एन एंगल, एंड मेक्स एन एंगल। ठीक है, ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू 2-3, एक ऐसा लाइन चाहिए जो 2-3 जा रहा है एंड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक बात, अभी पहले फिगर ड्रॉ करना याद करो, देखो प्रोसेस क्या बताते थे कि आपका ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, घिस दिए बात, अब 2-3 दिखाओ, 2-3 को लोकेट करो, अंदाज कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पर 2-3, ये आपका 2-3, सो ये आपका एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन, ये वाई एक्सिस से पैरेलल डॉट लाइन, खींच देना, ओवर कन्फ्यूज नहीं है, पहले तुम पढ़ा था, बहुत बड़ा हो गया लेकिन तब भी याद अब तो है नहीं, अभी छूटा हुआ कॉन्टेक्ट छूट गया। अब यहाँ से एंगल कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो देखो ये वाला पॉइंट है, अगर पॉजिटिव एक्सिस बोला तो राइट साइड, निगेटिव बोला तो लेफ्ट साइड, पॉजिटिव एक्सिस बोला तो राइट साइड, निगेटिव बोला तो लेफ्ट साइड, पॉजिटिव वाई बोला तो ऊपर, निगेटिव वाई बोला तो नीचे, एकदम अपने जगह पर पहुंचो। क्या बोला कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स माने हाथ को एकदम पॉजिटिव एक्स पर लेगा, कितना एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री का अंदाज लेगा, अंदाज हुआ होगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को मिला के जोड़ दो तो ये जो एंगल बनकर तैयार हो गया दैट इज 60 डिग्री, और इन जगह गारंटी तो खिंचा गया लेकिन ये आपका थर्ड, ये इसका फिगर। ठीक है, बस लीजिए कॉपी कलम लीजिए और प्रैक्टिस शुरू कीजिए, एकदम बैठे नहीं रहिए, कॉपी लीजिए और स्टार्ट हो जाइए, लो फिगर खींचो, 2-3 को फिगर पासिंग थ्रू, ठीक है, एक ऐसा लाइन निकालिए जो पास कर रहा है 3-5 से, ठीक है, बस एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ पॉजिटिव, आप इसको टाइम पास समझो, यही है पढ़िए ना, बात ईजी है तो आराम से हम लोग का एक क्वेश्चन बन जाता है। तो विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्स 30 डिग्री का कोण बना रहा है, एक ऐसा लाइन जो 3-5 से तो जा रहा है
एंड 30 डिग्री बना रहा है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो फिगर खींच दीजिए, 35 मतलब यहाँ पर होगा एडिक्वस। अब यहाँ के बाद कितना हो गया 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये बढ़िया बात है, 30 डिग्री खींच दीजिए। अगर हम यही पॉइंटों को बदल के लिख दिए -4 और -1 तो आपको दिक्कत होगा। अरे -4 -1 कहाँ पर आएगा, थर्ड पॉइंट -4 और ये -1 लीजिए यहाँ पर है, ये -4 और -1 कहीं भी रहे तरीका वही पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोला ना, तो यहाँ से 30 डिग्री लीजिए, ये आपका स्ट्रेट लाइन। तो ऐसा फिगर खींच सकते हैं। लीजिए एक दो और की चीज ले ली, फाइंड द एक्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 और -2 and makes an angle 120 degree with a positive x-axis. 5 or -2 makes an angle 120 degree with positive x-axis. ठीक बस, 5 और -2 समझ सकता है? 5 और -2 कहाँ पर आएगा? X का value 5 और Y का value -2, कौन सा quadrant? Fourth quadrant हो गया? 5 और -2 लीजिए, यहाँ पर हम figure draw कर दी। ये figure, हाँ, कितना आएगा? 120 degree. बना दिया आप लोग, बट नहीं रहे, बनाने की कोशिश कीजिए। 120 डिग्री का एंगल, देखो अभी कुछ कुछ ऐसा बना दिया होगा, और लिख दिया 120, अब तो मतलब 120 जैसा लगता है, 120 हुआ। तो ध्यान से, रफ फिगर है जरूर है, लेकिन तब भी उतना भी रफ नहीं कि आप दिन को रात कर देंगे, रात को दिन कर रहे हैं। अब ये देखो 120 मानी यहाँ तो खुद 90 तो नहीं पर हो गया, 120 से ही ना थोड़ा सा और आगे बढ़ गया 120। अब ये वाला आपका फिगर, तो आप इस तरह का फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। लो इधर फिगर और ड्रॉ कर लो, फाइंड द इक्वेशन द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1 -1 और 0 -1 और 0 एडिवर्स एंड मेक्स एन एंगल 120 की जगह पर अगर हम 30 डिग्री बात करते हैं, ठीक है, चेंज कर रहे हैं, ध्यान देना, विद नेगेटिव पॉजिटिव वाई एक्सिस, विद अ पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ये लाइन जो बना रहा है 30 डिग्री विद पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, बना लेना बस। तो रिजल्ट में क्या रहेगा, -1 0, एक्स का वैल्यू -1, एक्स का वैल्यू -1 दिखाओ कहाँ पर रह सकता है, एक्स का वैल्यू -1 कहाँ पर होगा, यहाँ पर, ये -1 0 डॉटेड खींच देना, यहाँ पर यहीं पर खींचे, कितना का बना रहा है 30 डिग्री विद पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव वाई मतलब ऊपर, बताए थे ना अभी, ये पॉइंट्स पॉजिटिव एक्स मतलब राइट, पॉजिटिव निगेटिव एक्स मतलब लेफ्ट, पॉजिटिव वाई मतलब ऊपर, निगेटिव वाई मतलब नीचे, तो पॉजिटिव वाई पर लेगा, और कितना एंगल, और इसमें इधर नहीं जाते हैं, राइट साइड ही बनेगा, राइट साइड कितना एंगल, ये आपका 30 डिग्री, तो ये आपका 30 डिग्री का एंगल्स। ठीक बात, अगर एंगल्स का संभव हो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल नाप लो, वो कुछ भी देगा, वो अपना देने का बात हो, फिगर खिंचा गया, उसके बाद पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल निकाल लेना, उसके बाद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल। अब ज्योमेट्री यूज करो, पूरा कितना होता है 90, अगर ये 30 तो ये कितना हो गया, ये आपका 60 डिग्री, तो ये आपका 60 डिग्री का सिचुएशन। इतने फिगर खींच सकते हैं ना, लो एक दो फिगर और खींच लो, फाइंड द इक्वेशंस, ड्रॉ द लाइन, केवल लाइन को ड्रॉ करने बोल रहे हैं, जाते हैं इसका, जैसे -3 और 4 पॉइंट्स है एडिवर्स और 120 डिग्री, 120 डिग्री विथ विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस, 120 डिग्री विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस। हाँ, फिगर खींचने के बाद वह एंगल लापर नहीं भूलना, मतलब जरूर करो, तैयार करें 2 मिनट्स। ये वाला पॉइंट्स पे आ गया, 3 और -3 और 4 कहां पर होगा, x का वैल्यू -3 यहां पर, और ये वो 4 यहीं पर रहेगा, तो आप फिगर नीचे खींच देते हैं और समझ में आ जाएगा, ये आपका -3 और 4, लो यहां पर खींच दिए पॉइंट्स। उसके बाद क्या बोला, पॉजिटिव y दिख रहा है, पॉजिटिव y मतलब इधर, इधर अपना नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी y एक्सिस में राइट लेफ्ट साइड नहीं, हमेशा 120 यहां तक 90, ये आपका 120 मतलब ये आपका एंगल, ये आपका एंगल। ठीक है, 120 फिगर तो खींच दिए, फिगर उम्मीद है कि आप खींच दिए, आप बता एंगल आप मेजर कर सकते हैं कि नहीं, एंगल मेजरमेंट आता है कि नहीं, तो पॉजिटिव एक्सिस पर हाथ ले जाओ, ध्यान है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हाथ ले जाओ, कहां पहुंचना, लाइन पर, इधर से अगर आप जाइएगा तो कितना एंगल हो जाएगा, जोड़ के निकालो, ये हो गया पूरा 120 था, ये 120 था, जोड़ो कितना हो जाएगा, ये पूरा आपको यहां तक पहुंचना, ये लाइन को बताओ, ये यहां तक था 120, ये वाला छोटा वाला एक स्ट्रेट लाइन पे 180 बनता है ना, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, तो देख लो ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 120 और 60, 120 और 60 180 था, तो
मैंने ये छोटा वाला कितना है 60, अब जोड़ो यहाँ तक 90 और ये छोटा वाला 60, यहाँ तक 90 और छोटा 60, 150 डिग्री का एंगल। हाँ चाहो तो इधर से भी नाप सकते हैं, केवल ध्यान रखना कि एंटी क्लॉक वाइज है तो माइनस देना होगा। ये 120 है, 120 तो ये छोटा वाला कितना बच गया 30, तो इधर से नापेंगे तो माइनस 30, तो आप 150 भी ले सकते हैं और माइनस 30 भी ले सकते हैं, चॉइस आपका, बस एंगल में गड़बड़ नहीं चाहिए। अब नौसिखिया से बिहेव नहीं किया जाएगा, एंगल मेजर कर लीजिए सही सही और निकाल सकते हैं। लो 43, ठीक है 43, अगर हम लोग ये बात कर सकते हैं कि दिस इज 150 डिग्री, 150 डिग्री विथ निगेटिव वाई एक्सिस, जल्दी से खींच लेते हैं, दिस इज 43 और 150 डिग्री विथ निगेटिव वाई एक्सिस। नीचे, यहां से कितना 150 डिग्री, 150 डिग्री पहुंचना है, ये देखो ऐसा, ये कितना पहुंचा, ये हो गया 90, 60 और तब ना 150 होगा। अब बताओ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से लाइन तक पहुंचो, कितना एंगल तो 60 डिग्री, तो एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। सो ये आपका एंगल का मेजरमेंट्स हो जाएगा, बस फिगर खींच सकते हैं। अगर तुम्हारे पास इसी क्वेश्चन में ये रहता कि 5 और 3 एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल बोल दिया जाए, कहा गया ऐसा लाइन ड्रॉ कीजिए 5 प्लस जा रहा है और एक्स एक्सिस से पैरेलल है, तो बोलो आपसे खींचा जाएगा, पॉइंट्स 5 प्लस जा रहा है एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बचो ये आपका 5 3, मतलब यहां पर अब बताओ वह एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन है, ये एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन क्या हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगा, बताओ ये लाइन एक्स एक्सिस कितना का बनाएगा, तो कितना बना रहा है 90 डिग्री, अरे एक्स एक्सिस से खुद कितना बनाएगा तो 0 डिग्री, ये थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, इधर से आप तो इधर से 180 लिख सकते हैं, तो 0 या 180 बोला जा सकता है। अगर यही चीज y एक्सिस से पैरेलल बोल दे, फिगर खींचे देखो खुद से, करो खुद से, बोले कोई भी टॉपिक को अगर महसूस करोगे समझ में आ जाएगा, फिगर खींच देना, बोले क्वाड्रेंट में डेप्थ ही नहीं, जो बोल रहा कर दो, पहले सोचो नहीं, रटना ही नहीं है, मगर बताओ कितना एंगल बना रहे हैं, ए लाइन डॉट एक्स एक्सिस से राइट लाइन पे पहुंचे कितना एंगल बनाएगा, तो 90 डिग्री, एक्स एक्सिस बोलेगा 0 डिग्री, इसको रटो मत, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस, अरे उस समय जो फिगर में बन जाएगा वो बना देना, ये आपका 30-90 डिग्री का एंगल बन रहा है। चलिए ठीक है, अगर हम लोग का यही एक वर्ड रहता है इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस, इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस, मतलब एक ऐसा लाइन चाहिए जो 5-3 से तो जा रहा है, दोनों एक्सिस के साथ इक्वल इंक्लाइन, तुम ही खुद बताओ ये 5-3 मतलब यहां पर, अगर हम बोले कि दोनों इक्वल इंक्लाइन का हिंदी क्या होगा, दोनों से बराबर बराबर कोण बना रहा है, दोनों से बराबर बराबर कोण बना रहा है, ठीक है क्या हो सकता है, मैंने इधर से बराबर ऐसा लाइन हो सकता है, क्या और संभव है, एक सिचुएशन और संभव है, ये देखो ये 5-3, तो ये फिगर भी ऐसा बना सकता है, यहां भी तो बराबर बराबर हुआ, तो इस सिचुएशन में बता पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितना एंगल नाप रहा है, तो ये हो गया 45 डिग्री, और ये एंगल अगर हम नापेंगे तो कितना हो जाएगा 135 डिग्री, तो ये दो सिचुएशन संभव है। चलिए कुछ फिगर ड्रॉ करो फिर थोड़ी देर में आते, अब जल्दी से फिगर को ड्रॉ करो, ठीक है, थैंक यू।